जोहार संगवारी हो, आप मन के स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल विद्रोह सीजन संगवारी हो। आज मैं आप मन ला महर्षि वाल्मीकि के आश्रम त्रितुरिया धाम के कुछ नज़ारा दिखावत हूँ। जी हर पहाड़ पर माँ कालरात्रि विराजमान है। यह पार्किंग स्थल है, यहीं मेरी गाड़ी ले जमा करके आगे बढ़ना है। संगवारी हो मेरे मारा मुंदरी की दुकान लगी है, नारियल घरों बेचाते हैं, बड़े बड़े दुकान लगे हैं मंदिर परिसर के आसपास में। आप मन देख सकत कब तक भीड़ संगवारी हो, चारों मुड़ा माता दर्शन करे बर सब आया है संगवारी हो। यहाँ आप मन 12 महीना आ सकते, बहुत बढ़िया जगह है। नवरात्रि में भी आ सकते, मेरा टाइम में भी आ सकते, कोई भी मौसम में आ सकते हैं, बहुत बढ़िया जगह है। बरसात भर में थोड़ा परेशानी था पड़ सकते हैं। यहाँ बड़ बेंद्रा घर संगवारी हो, आप मन देख सकते हैं श्रद्धा में कुछ न कुछ खवाते बेंद्रा लगा के चारों मुड़ा जंगल पहाड़ है तो बेंद्रा घर कस के है। यहाँ ला बहुत बड़े पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर माता विराजमान है, सीढ़िया घरों बने जमीन से लेके मंदिर तक के जाए। आप मन देख सकते हो कत भीड़ है श्रद्धालु मन के। आप मन देख सकते हैं संगवारी हो भक्त मन कैसे पहाड़ को चढ़ते लेकर धर धर के, बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत सुंदर है तीर्थ स्थल भी है। कतका सुघर सुघर बंदन चंदन जिन भी कुंकू सिंदूर सब में जावत है, बहुत बड़े बड़े कलर दिखते रग रग ले। अब हम पहुँच गए माता के मंदिर के तीर में संगवारी, यही मंदिर के भीतर में माता रानी विराजमान है, त्रितुरिया धाम के माता रानी है। आप मन देख सकत कैसे लंबा लंबा लाइन लगी है दर्शन करे पर भक्त मन की। जय माता कालरात्रि। जोत घरों पर थे संगवारी नवरात्रि के मौसम में, तो पहाड़ ऊपर नजारा देखे अब्बड़ सुघर नजारा दिखे संगवारी हो। आप देख सकत कतक सुघर नजारा, चार उम्र बड़े बड़े पहाड़ और कटकट जंगल और हरियाली एक नंबर के, अति सुंदर जगह है। बताते कि हाथी प्रभावित घरू क्षेत्र है, बाढ़ नवापारा अभ्यारण्य के अंतर्गत आते ही त्रितुरिया धाम के क्षेत्र है संगवारी हो। यहाँ अपन खुद की गाड़ी में आ सकता है, कहा कि यहाँ बस रेल गाड़ी ऑटो कुछ की सुविधा नहीं है, अपन खुद के वाहन में हूँ तब यहाँ घूम सकता है। यह बड़ौदा बाजार जिला में पड़ते संगवारी हो। अगर आप मन हमार चैनल में नवा हो तो हमार चैनल ला सब्सक्राइब कर दू, जेखर ले हमारे अवैया नव नव वीडियो की सूचना आप मन तक के पहुँच जही। यहाँ ला हर साल चैत के नवरात्रि में और सबसे ज़्यादा कुमार के नवरात्रि में अब्बड़ भीड़ रही थी संगवारी हो। आज जनवरी फरवरी दिसंबर के महीने में घर कस के भीड़ रही थी, क्या बहुत सुंदर जगह है यहाँ ला। तो ओकर नाम से पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत सुंदर जगह है, धार्मिक की दृष्टि से भी बहुत सुंदर जगह है, हर प्रकार से है बहुत बढ़िया जगह है। तब यहाँ 12 महीना श्रद्धालु मन बहुत मात्रा में आते माता रानी के दर्शन करे बर, और प्राकृतिक सुंदरता घर भरपूर है यहाँ ला संगवारी हो। एर इस माता के दर्शन अब एक बाद मैं अपन महर्षि वाल्मीकि के आश्रम माऊ माता सीता के मंदिर घर दिखावत हूँ। ये है महर्षि वाल्मीकि के आश्रम आए, बताया जाते कि यहाँ महर्षि वाल्मीकि है वो जमाना त्रेता युग में रामायण की रचना कर रही थे। अरे पानी आवत है पहाड़ के ऊपर ले और बैला के मुँह लगा दे, कतका सुंदर प्राकृतिक पानी संगवारी दिन पहाड़ के ऊपर लावत है। और यहाँ यही में हाथ धो धो बाद नहा के बाद श्रद्धालु मनाते थे माता रानी के दर्शन करे पर अंदर मंदिर में प्रवेश करते। ये भगवान महादेव संगवारी हो, आप मन देख सकत है यह राम लक्ष्मण माता सीता की प्रतिमा विराजमान है, भगवान शिव शंकर घलो है। यह महर्षि वाल्मीकि की सुंदर प्रतिमा है। यह लव कुश माता सीता के सुंदर प्रतिमाएं बताया जाती है कि लव कुश यही माता सीता है जन्म दे रही थी। ये रही संगवारी मंदिर परिसर के चारों मुड़क नज़ारा, आप मन देख सकता था कतका भीड़ है मंदिर परिसर में। ये रही संगवारी हो त्रितुरिया धाम के प्राकृतिक सुंदरता नज़ारा, माता रानी के भव्य मंदिर के दर्शन, लव कुश के जन्मभूमि, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कैसे लगे कमेंट करके बताऊँ। अब अवैया जगह में नवा बेरम फिर मिलबू, तब तक बड़ जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।